गाजा तूफान की एक और शक्ल हम आपको दिखाना चाहेंगे। कोथमंगलम नामक ये जगह है जो पुदुक्कोट्टई डिस्ट्रिक्ट में आता है, और मेरे पीछे जो आप गाड़ियां देख रहे हैं ये वो शक्ल है जो इन लोगों का विरोध है, इन लोगों का क्रोध है जो तूफान के तीसरे दिन भी, जब यहाँ पे कोई भी सरकारी अधिकारी नहीं आया, जब किसी ने भी इनकी सुध नहीं ली, उस वक्त इन्होंने अपना आपा खोया। इन्होंने खूब मेहनत करी, खुद मिन्नत करी। अगर मैं आपको पीछे टावर दिखाऊं, यहाँ पे एक नौजवान चढ़ के खड़ा हो गया। उसने ये दरख्वास्त लगाई कि अगर कोई सरकारी अधिकारी यहाँ नहीं आता है तो मैं वहाँ से कूद जाऊँगा नीचे। उसके बाद जो यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने उसको मिन्नत करी, उसको नीचे उतारा। उसके बावजूद जब कोई नहीं आया, जब अधिकारी यहाँ पे नहीं आए, तो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो आसपास के जो लोग हैं जिनको गुस्सा आया, और उस गुस्से की जो शक्ल है वो ये है। देखिए, इसको हम जस्टिफाई नहीं करना चाहते, क्योंकि सरकारी जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसको किसी भी तरह का नुकसान करना सही नहीं है। लेकिन सरकार की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो जिम्मेदारी उन पे है, यहाँ के जो MLA हैं, यहाँ पे जो कलेक्टर्स हैं, इन सब की जो जिम्मेदारी बनती है, अगर उन्होंने सही समय पे सही तरह से कर ली होती तो शायद ये नुकसान जो सरकार का है वह नहीं होता। देखिए, हुआ यहाँ पे ऐसा कुछ है कि अगले दिन सुबह जब ये तूफ़ान आया था, इसके बाद 110 यानी 110 ऐसे पेड़ थे। ये खबर आई दिनतंदी करके एक अखबार में कि सिर्फ 110 पेड़ यहाँ पर गिरे हैं पुदुक्कोट्टई डिस्ट्रिक्ट में, जिस पे ये तमाम जो लोग हैं इनको गुस्सा आया, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इलाका है। 3000 से भी ज़्यादा परिवार यहाँ पे रहते हैं, और इनके अनुसार 60,000 ट्रीज़ यानी 60,000 पेड़ यहाँ पर धराशायी हुए, यहाँ पे गिरे तूफान की वजह से। और इसका एक और मुख्य कारण ये है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, उस टावर में एक लड़का खड़ा हुआ जो खुद को आत्महत्या करने की जिसने कोशिश करी, ये कह के कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में किसी भी सरकारी अफसर ने अभी तक आके नहीं देखा, तो कम से कम मेरी जान के बाद ये लोग आके देखेंगे, इस दशा को लोगों तक पहुँचाएंगे। क्योंकि हकीकत यही है कि यहाँ पर किसी भी तरह का मीडिया, किसी भी तरह का सरकारी अफसर नहीं आया, नहीं पहुंचा, तो ये जो तमाम जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं ये बाहर तक नहीं पहुंच पाया। बने रहें हमारे साथ रूस्टर न्यूज़, जो आपको तमाम खबरें दिखाता रहेगा इस तमाम इलाके की जो यहाँ पर घट रही हैं, हो चुकी हैं, और यहाँ पर आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। आप आएँ, इनकी मदद करें, यही इन लोगों की दरख्वास्त है। नमस्कार।